सो गाइस, आज के स्टूडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि इसका यहाँ पे जो टेक्सचर्स है बिल्कुल यहाँ पे एक वेक्टर आर्ट की तरह ही है, या फिर आप कार्टून पोर्ट्रेट भी कह सकते हो, जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको अपना फोटो इस तरह का सेम टू सेम एडिट करना है तो ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे जो ऑल फोटोज वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपके यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे रेनबो कलर का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना और जो भी कलर आपको बैकग्राउंड चाहिए उसे सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मुझे यहाँ पे येलो चाहिए तो येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से डन। तो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा और बैकग्राउंड यहाँ पे ओपन हो जाने का सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड को क्रॉप करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं टूल्स पर और यहाँ पे क्रॉप वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और इसका जो साइज़ है आपको इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट के साइज़ में रख लेना है और थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ कर लेता हूँ इसे, मतलब थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ से डन। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बैकग्राउंड है देख सकते हो पूरा येलो है, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें अपने बैकग्राउंड में एक ग्रेडियंट देना है, इसके लिए हम चलते हैं ड्रॉ टूल पे। और पहले जो मैं यहाँ पे इसका जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जाना है कलर वाला ऑप्शन पे और जो भी कलर आप यहाँ पे ग्रेडियंट देना चाहते हो उसे अप्लाई कर लेना। मैं जो यहाँ पे ऑरेंज कलर अप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ से डन। फिर आपको ब्रश वाला आइकॉन पर क्लिक करना है और ये वाला आइकॉन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको फोटो का जो साइज़ है बिल्कुल फुल कर देना है, ओपेसिटी भी बिल्कुल फुल और हार्डनेस को रख लेना 1 पे। जूमेबिलिटी को यहाँ पे मैं इनेबल कर लेता हूँ और इस तरह से आपको ब्रश को अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट आपको ये वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक कर देना और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना और इस तरह से आपको यहाँ पे जूम करके इस वाले पार्ट पे एडजस्ट कर देना है, मतलब ऊपर के साइड, और एडजस्ट करने के बाद यहाँ से कर लेना डन। फिर आपको इसके यहाँ पर जो ओपेसिटी है आप यहाँ पर कम ज़्यादा करके देख सकते हो। मैं यहाँ पर इसे रख लेता हूँ कुछ इतना और थोड़ा सा और मैं यहाँ पर ऊपर के साइड एडजस्ट कर लेता हूँ, ये सही रहेगा। ओपेसिटी यहाँ पर फुली रहेगा और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो ये हमारा हो गया। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो येलो वाला बैकग्राउंड था वो यहाँ पे ग्रेडियंट में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं ऐड फोटो पे और ऐड फोटो पे आने के बाद आपको अपने फोटो को यहाँ से ऐड कर लेना है। और फोटो का जो बैकग्राउंड है मैंने ऑलरेडी एरेस कर लिया था। अगर फोटो कटआउट करना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसे आपको इस तरह से मिडिल में अच्छे से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से डन बिल्कुल ही मत करना। यहाँ पे कॉपी पर टैप कर देना तो आपके सामने फिर से यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पे ऐड फोटो पे जाना है और यहाँ से आपको एक PNG को ऐड कर लेना है और इसे ऐड करने के बाद आपको इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेना है फोटो के नीचे वाले पार्ट पे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिडिल में अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ और इसे अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको अपने मॉडल वाले PNG पे क्लिक करना है और इरेज वाला ऑप्शन पर जाना और यहाँ पर इरेजर का हार्डनेस मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। और इस तरह से जो भी यहाँ पर लाइन के बाहर आ रहा है उसे आपको इस तरह से इरेज कर लेना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ, इसका बताऊँगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे इरेज कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ पे जो PNG है इस पर क्लिक करना है और इरेज पे जाना और इसका भी यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इरेज कर लेना। तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे भी डन नहीं करना है, यहाँ पे वापस से कहाँ पे भी टैप करके फिर से ऐड फोटो पे जाना और इस बार आपको यहाँ पे स्प्लैश वाले PNG को ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया और अगर आपको इसके कलर को चेंज करना है, जैसे कि अभी ये रेड है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लू चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे जो ह्यू वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना और इसके यहाँ पे जो अमाउंट है आप यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज करके देख सकते हो, जिससे इसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे रेडी चाहिए तो मैं इसे कट कर लेता हूँ और इसे इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपके यहाँ पे ये वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर देना और मूव डाउन पे क्लिक कर देना तो यहाँ पे ये जो पीछे चले जाएगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसे परफेक्टली एडजस्ट कर लिया है। नेक्स्ट आपको अपना यहाँ पे जो मॉडल वाला PNG इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना तो यहाँ पे इसका एक और लेयर आ जाएगा और इस PNG को भी जो आपको सेम टू सेम एडजस्ट कर लेना है इसके साथ ही। और इसे एडजस्ट करने के बाद आपके यहाँ पे जाना है इफेक्ट वाला ऑप्शन पर, जो कि ये रहा, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सिंपल आपके यहाँ पे जो स्केच वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और पहला वाला जो स्केच ऑप्शन है इस पर भी क्लिक कर देना। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा और ध्यान रखिए आपके यहाँ पे जो नेट ये ऑन रहे। नेक्स्ट आपको इसके ऊपर वापस से क्लिक करना है और कलर को आपको सबसे पहले ब्लैक सेलेक्ट करना है। फिर आपके यहाँ पे जो लाइन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इसका आप यहाँ पे अमाउंट कितना भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ 38% और यहाँ पे वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल है इन दोनों को आपको 0 पे रखना है और यहाँ से डन कर देना। फिर आपके यहाँ पे जाना है इरेज वाला ऑप्शन पर और जो भी आपका फेस वाला पार्ट है जो इरेज करना है उसे आपको इरेज कर सकते हो, मैं यहाँ पे इसे इरेज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे कर लिया, यहाँ से डन कर लेता हूँ। नेक्स्ट आप चाहे तो इसका ओपेसिटी यहाँ पे कम ज़्यादा करके देख सकते हो, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लगभग इतना 65% के आसपास। फिर आपके यहाँ पर जो मूव डाउन वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना, एक बार क्लिक करना तो यहाँ पर पीछे चले जाएगा और यहाँ से मैं कर लेता हूँ डन। लेकिन हमारे यहाँ पर जो पूरी तरह कम्प्लीट नहीं हुआ है जो कि आउटलाइन है, तो आउटलाइन बनाने के लिए हम इस बार क्या करेंगे, हम यहाँ पर चलते हैं ड्रॉ टूल पर। इस आउटलाइन के वजह से आपके फोटो में काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कलर वाला ऑप्शन पे जाके ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रश वाला ऑप्शन पे जाके फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, साइज़ को रख लेता हूँ इतना, ओपेसिटी फुल रहेगा, हार्डनेस भी फुल। और इस तरह से आपको अप्लाई करना है, मैं यहाँ पे साइज़ को थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ
और इस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। अगर मिस्टेक हो जाता है तो आपको यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो आप यहाँ पे वापस से अप्लाई कर सकते हो। तो इसे भी मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिया, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर, देख सकते हो इसे अप्लाई करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हमें अपने फोटो में थोड़ा सा कार्टून टाइप का लुक देना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं इफेक्ट वाला ऑप्शन पे, और आपके यहाँ पे जो आर्टिस्टिक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है ऑयल पेंटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है, और मैं यहाँ पे वापस से क्लिक कर लेता हूँ, और इसके यहाँ पे जो अमाउंट मैं रख लेता हूँ 15%। फिर आपके यहाँ पे जाना है इरेज वाला ऑप्शन पे, और ओनली आपको अपने आईज और लिप्स के ऊपर से इरेज कर लेना, नोज के ऊपर से भी इरेज कर लेना, और यहाँ से डन। फिर आपको ये वाला जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो इफेक्ट यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, देख सकते हो। नेक्स्ट आपके यहाँ पे जो पोस्टर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और वापस से क्लिक करके यहाँ पे जो डिटेल्स वाला ऑप्शन है इसे आपको बिल्कुल फुल कर देना है। तो देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पे कितना कमाल का बन चुका है सिर्फ एक ही इफेक्ट से, जो कि यहाँ पे कार्टून वेक्टर आर्ट की तरह इफेक्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इस पर भी अप्लाई हो चुका है, तो इसके मैं यहाँ पे इरेज पे जाके इरेज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर के साइड रह गया, इसे भी इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपको हमें जाना है टूल्स पर और एडजस्ट पे जाना, और फोटो जो सैचुरेशन है इसे इंक्रीज कर देना 40% के आसपास, क्लैरिटी को भी इंक्रीज कर देना, कॉन्ट्रास्ट को भी, और यहाँ से कर लेना डन। और ये हो जाने के बाद आपको हमें जो स्टिकर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे सर्च पे आपको टाइप कर देना है टेक्स्ट, और सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे टेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे मैं वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी कौन सा भी एक सिलेक्ट कर लेना, और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो हमारा फोटो यहाँ पे रेडी हो चुका है, देख सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ आइकन पे क्लिक करके अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेना है। सो आई गेस आपको ये वीडियो पसंद होगा। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस देखना है तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।